जो कांग्रेस ने आज ये आह्वान किया महंगाई के सवाल पर, हम दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस ने महंगाई के सवाल पे कांग्रेस के इस बंद को समर्थन दिया है जी। हम कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस के कार्यों से हम DDA इत्तेफाक नहीं रखता, और इसमें क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो कि इस पूरे देश के मेहनतकश लोगों को, गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के उन संघर्षशील जो अपने दिन रात के लिए अपने मेहनत करते हैं अपने परिवार को पालने के लिए, एक तरफ तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल के दामों में, डीजल के दामों में, आपका ये गैस सिलेंडर के दामों में डबल से ज़्यादा रेट हो चुके हैं, और दूसरी बात जो रुपया गिर रहा है, रुपया आज 73 की तरफ पहुंच गया है, जो डॉलर 73 रुपये की तरफ पहुंच रहा है 72 क्रॉस करके, तो इन सबका जो इम्पैक्ट है वो तमाम किसी ना किसी रूप में इस देश की उस गरीब जनता के ऊपर पड़ेगा, उस मेहनतकश जनता के ऊपर जिसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति हैं, जिसमें कि सामान्य वर्ग का वो तबका जो गरीब है जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो तमाम मेहनतकश 80% जनता इससे पिस रही है, और जो मौजूदा सरकार है उसके कान पे जूं नहीं रेंग रही है, और उनके वित्त मंत्री बड़े मखौल से उड़ा करके अरुण जेटली साहब ये कह के गए 3 दिन पहले कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है और इससे घबराएं नहीं, अब 80, 85, 90 की ओर अब पेट्रोल जा रहा है, डीजल अब 80 की तरफ बढ़ रहा है, तो जिससे कि सारे देश का काम चलना है, जिससे राशन आना है, तेल आना है, रोज़मर्रा की चीज़ें आनी है, जिससे ढुलाई होनी है, सब्जियाँ आनी है, और उसके ऊपर ये हो रहा है, तो कांग्रेस के इस बंद को हमें मुद्दों के आधार पे महंगाई के उस पर हमने इसको समर्थन दिया, और आज पूरे देश में पूरी जनता लड़ रही है और अलग अलग इलाकों में इस बंद का असर है, व्यापक असर है, और हमें ऐसी खबरें आ रही हैं न्यूज़ चैनलों से चारों तरफ, लेकिन दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपनी पूरी ताकत के साथ और अभी गिरफ्तारी दी है लेफ्ट संगठनों के साथ, यहाँ पर तमाम लोग गिरफ्तारी दी, तो हमने भी दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी उसमें गिरफ्तारी दी है संसद मार्ग थाने में। अशोक अज्ञानी जी, जिस तरीके से कहीं वो छुटपुट घटनाएं से सामने आ रही हैं, जैसे दिखाया जा रहा है कि कहीं अहिंसा भड़की हुई है, देखिए ये हिंसा का जो ये कहानी है ये तो जो ऑलरेडी जो मीडिया राष्ट्रवादी मीडिया है वो इसको प्रचारित कर रहा है इस बंद को बदनाम करने के लिए, जबकि परसों जो एक बंद था जो इन्होंने बंद किया था 6 तारीख को, उसमें कुछ लोग नहीं थे, कोई कहीं टायर जला रहा है, कहीं कुछ एक दो पत्थरों की घटना इन्होंने मैनिपुलेट करके वो दिखाई, ऐसे दिखाया जब पता नहीं पूरे देश में ऐसा व्यापक बंद हुआ है SC ST Act के खिलाफ इन सामान्य वर्ग का, वो मीडिया ऐसे दिखा रही थी, दिन रात लगातार दिखा रही थी, जबकि कहीं 4 लोग बैठे हैं, कहीं 2 लोग बैठे हैं, और आज जो शांतिपूर्ण ये बंद हो रहा है, जबकि आज संसद मार्ग थाने में लेफ्ट के बड़े नेताएं भी थे जिसमें सीताराम येचुरी हैं, जिसमें D Raja हैं, अतुल कुमार अंजान है, उसके बावजूद भी शांतिप्रिय रूप से यहाँ पर गिरफ्तारी दी गई, यहाँ कोई तोड़फोड़ हुई किसी देश में? यहाँ पर जो मजदूर वर्ग है वो इस देश का, ये देश उसका है, संसाधन उसके हैं, इस देश का जो भी चीज़ है इस देश के मेहनत का मजदूर किसान का है, वो भला क्यों अपने इसको नुकसान पहुँचाएंगे? ये सब मैनिपुलेटेड है, ये जो राष्ट्रवादी मीडिया और जो कुछ गुंडा तंत्र है उन भाजपा या उनसे संबंधित जो जुड़े हुए उनके जो गुर्गे हैं वो इस तरह की कहीं कहीं करके भेष बदल के वो इस तरह का प्रचारित कर रहे हैं कि इस बंद में हिंसा हुई है और देश की जो संपत्ति को नुकसान हुआ उसका हम पूरी तरह से निंदा करते हैं और उसको उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है इस बंद।